हैं कि अभी प्रेजेंट में कितने डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस हैं, एक्टिव कितने केसेस हैं और इससे इसकी वजह से कितनी मौतें हुई हैं और क्या तीसरी लहर के लिए ये जिम्मेदार हो? अगर फाइनल अपडेट है मेरे पास कल का, 51 आइसोलेट्स हैं और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा, अलग अलग नंबर्स हैं। ये कल तक का अपडेट है। इसके ऊपर जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से जागरूक है और जहाँ जहाँ ये पाए गए जिस जिस व्यक्ति में, उनको जो साइन जो बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको और उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, उनको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना केसेस को इन पर्टिकुलर, बिकॉज ये जो व्यक्ति जिनमें शुरू में निकला है वो तो अब हो चुके होंगे, ठीक हो गए होंगे, और जो केसेस हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, कंटेनमेंट के मेजर्स करे गए हैं और इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लोज वॉच रखी जा रही है। जैसे कि कम्युनिकेट किया गया है, अभी तक इसमें हमारे पास साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये किसी को डेल्टा के ऊपर ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है या कि सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ बढ़ाता है या कि हमारे वैक्सीन को काम करता है, ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस हमने नहीं पाया है। ये काम देखा जा रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को कल्चर कर लिया गया है और हमारे नेशनल लेबोरेटरीज ने, और इसके ऊपर इन चीज़ों के जवाब देने के लिए जो आगे कार्रवाई करनी है, साइंटिफिक कार्रवाई, वो करी जा रही है। नंबर 16